सब्सक्राइब कीजिए क्रिएटिव मेड चैनल को और बेल के आइकॉन को दबाइए सबसे पहले नई जानकारी को पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव मेड में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप YouTube के लिए कस्टम थंबनेल कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, आप ये कस्टम थंबनेल बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस तरह का एक थंबनेल बना करके दिखाने वाला हूँ। ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल टाइप का लग रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस तरह का थंबनेल बनाना आ जाएगा और आप अपने वीडियो में YouTube थंबनेल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप खोल लीजिए अपना कोरल ड्रा। ये मैं आपको कोरल ड्रा के अंदर बना करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप एक नई फाइल बना लीजिए। उसके बाद आप एक रेक्टेंगल बनाइए और इसमें जा कर के यहाँ पिक्सल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ जाकर के साइज़ का सेट कर दीजिए। दोस्तों, आपको YouTube थंबनेल के लिए 1280x720 साइज़ यहाँ पर सेट करना पड़ेगा और ये पिक्सल में रहेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर साइज़ डालता हूँ 1280x720, मतलब विथ रहेगी इसकी 1280 और हाइट रहेगी 720। ये देखिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसको जूम कर लीजिए। फिर इसमें एक बैकग्राउंड ला करके डालिए। आप गूगल से निकाल सकते हैं, आपके पास जो हो वो निकाल करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूँ। ये देखिए मेरे पास पहले से है। और दोस्तों, मैं इस बैकग्राउंड को इसके अंदर ले जा कर के फिट कर दूंगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट में, फिर जाना पड़ेगा पावर क्लिप में और इस पर कंटेनर पर क्लिक करिए। फिर इस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आप इस पर करिए राइट क्लिक और यहाँ जा कर के एडिट करिए। फिर यहाँ जा कर के आपको इसको एडजस्ट करना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ जा कर के फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट। कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, येलो, ब्लैक पे कोई भी कलर दिखे इस तरह का कलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट करिए। फिर टाइप करिए हाउ टू क्रिएट, इसको यहाँ से ले जा करके इतना बड़ा कर दीजिए सेंटर में। फिर करिए कॉपी पेस्ट, उठा के नीचे रखिए। फिर लिखिए कस्टम, सेंटर में करिए, कॉपी पेस्ट। फिर लिखिए थंबनेल, एक रेक्टेंगल बना लीजिए यहाँ से इसके बराबर का। कलर दीजिए यहाँ जाकर के रेड। और जो बैकग्राउंड वाला है टेक्स्ट, उसको सेलेक्ट करिए और पेज अप कर दीजिए। फिर जाकर के यहाँ इसका कलर वाइट कर दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। फिर ये पूरे को बड़ा करके सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कस्टम का कलर वाइट कर लीजिए और इसमें आउटलाइन डालिए ब्लैक कलर की। आप वैसे जो चाहें वो डाल सकते हैं। मैं 2 पॉइंट की ब्लैक लाइन डालूँगा इसमें। देखिए, इसको उठा कर थोड़ा सा हटा दीजिए बिल्कुल। इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेता हूँ। फाउंटेन फिल में जाइए और इसमें जा कर के रेड सेकंड वाले करिए। ओके, थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा। वैसे जाइए फाउंटेन फिल में और यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इसको कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट करिए और लिखिए फार इसको वाइट कर दीजिए और यहाँ पे YouTube का लोगो लगाइए ला करके। ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं लगाऊंगा इसको। उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाइए इसके बराबर का, राउंड थोड़े से कॉर्नर गोल कर लीजिए और इसमें जाइए इफेक्ट में, पावर क्लिप में, प्लेस इनसाइड कंटेनर, इस पर क्लिक कर दीजिए और कलर इसका वाइट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ले जा करके इसको बड़ा कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए और लिखिए यहाँ पर हिंदी पब्लिक उर्दू। इसको जूम करिए और एक रेक्टेंगल बना लीजिए और इसको कलर दीजिए सियान और इसमें जाकर के कलर थोड़ा सा डार्क कर लीजिए।
अब नीचे वाला टेक्स्ट को ऊपर ला करके रखिए, उसको सेलेक्ट करिए और पेज अप कर दीजिए और इसके अंदर जूम करके सेलेक्ट करिए सही से। उसके बाद इसको यहाँ से ले जा करके एडजस्ट कर लीजिए सही से अपने अकॉर्डिंग, छोटा बड़ा करके। उसके बाद दोस्तों आप अपने चैनल का लोगो रखिए ला करके यहाँ पर, मैं अपना रखता हूँ, उसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे ला करके सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए आपका कस्टम थंबनेल बन चुका है, वो भी एक प्रोफेशनल टाइप का। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी इमेज बना लेनी है ताकि आप इसको अपने यूट्यूब के चैनल में यूज़ कर सकें। तो दोस्तों इमेज बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में, उसके बाद जाइए आप एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट फॉर वेब, यहाँ पे आप JPG सेलेक्ट करिए, RGB कलर रहना चाहिए, हाई क्वालिटी रहे, उसके बाद यहाँ पर जा करके सेव कर लीजिए। मैं इसको थंबनेल के फोल्डर में सेव करूँगा, नाम दे दीजिए इसको थंबनेल और यहाँ से सेव कर दीजिए। तो दोस्तों इसकी अब JPG फाइल बन गई है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से बनकर ये तैयार हुआ है। तो दोस्तों मैं फोल्डर खोल के आपको दिखाऊंगा, देखिए ये देखिए दोस्तों एक प्रोफेशनल टाइप का आपका थंबनेल बन गया है। आप इसी तरह से अलग अलग जो चाहें अपने मन के थंबनेल बना सकते हैं, वो भी कोरल ड्रा का यूज़ करते हुए। दोस्तों अगर आप कोरल ड्रा के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो में मैं आपको नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।